हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे साथियों, RUHS BSc नर्सिंग 2024 के एग्जाम्स है वो करीब आने वाले हैं। UPSC NET का एग्जाम है वो भी करीब आने वाला है प्यारे बच्चों। एग्जाम्स बहुत नज़दीक है और बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, RUHS BSc नर्सिंग और UPSC NET में सभी में 12th लेवल का सिलेबस आ रहा है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का 12th लेवल का सिलेबस आ रहा है प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वन बाय वन बताऊंगा प्यारे बच्चों। टॉप 50 क्वेश्चंस है। पहला आपका जो लाइव क्लास है प्यारे साथियों, इसको एंड तक देखना, ये आपके लिए बहुत बेहद अच्छा होने वाला है। इसमें वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि UPSC PNET यानी कि किस क्या बोलते हैं इसको, UPSC NET को क्या बोलते हैं भाई, कॉमन फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कि यूपी में लिया जाता है। RUHS BSc नर्सिंग 2024 के एग्जाम्स हैं उनके लिए प्यारे साथियों बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए बताऊंगा 12th लेवल के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्यारे साथियों चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। पेपर यहीं से छपेगा बिल्कुल प्यारे बच्चों। डीबी प्रो एजुकेशन जाना इसी नाम से जाता है क्योंकि यहां से बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए, बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन शॉट में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथियों वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलो तो चलते हैं फिर प्यारे साथियों हमारे टॉपिक की तरफ। तो प्यारे साथियों आप देख सकते हो MCQ फॉर ऑल चैप्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। जीव विज्ञान क्लास 12th यानी कि आपके बायोलॉजी के क्लास 12th लेवल का यहाँ पे ये सिलेबस रहने वाला है। क्लास 12th लेवल आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th क्लास का भी है बट 11th क्लास से यहाँ पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी हिंदी मीडियम में मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरल प्लांट्स, हम जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरल प्लांट्स बोलते हैं। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं आज सारी चीजें आपको वन बाय वन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पता है 2 बजे आपकी लाइव क्लासेस होती है बायोलॉजी की, 2 बजे आपकी दोपहर को 2 बजे लाइव क्लासेस होती है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है हमारे साथ में वो प्यारे साथियों 2 बजे लाइव आके जुड़ सकता है लाइव क्लासेज में। ठीक है, अब चलते हैं। ये तो मैं थोड़ी आपको नॉर्मल इंट्रो देना चाह रहा था बट अभी थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लाइव क्लासेज की इन्फॉर्मेशन जो भी न्यूज नोटिफिकेशन जो भी हमारे पास में आते हैं हम तुरंत लाइव क्लासेज के माध्यम से या फिर आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से नोटिफिकेशन कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं प्यारे साथियों, आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत बच्चों को हम टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते हैं। तो प्यारे साथियों अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको हेल्पलाइन नंबर मेंशन कर रखे हैं, जो भी आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए कोई भी हेल्प चाहिए आपको भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ओके, कोई भी डाउट है आपका तो क्लियर करने के लिए आप एनी इंक्वायरी मैसेज कर सकते हो। और प्यारे साथियों जो भी स्टूडेंट है इन चैप्टर्स के MCQ लेना चाहता है 12th लेवल के बायोलॉजी के MCQ लेना चाहता है 12th लेवल के बायोलॉजी के MCQ लेना चाहता है वो मेरे को इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। वो इन नंबर पे कांटेक्ट करे 8777677746 इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मैं उसको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQ चैप्टर वाइज 12th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट MCQ मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट से लेना चाहता है वो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करें इन नंबर्स पर। ओके, अब चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई? स्ट्रासबर्गर के द्वारा, नावाश्चिन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूमैन हुक ने, किसने की थी भाई बताओ? द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी प्यारे साथियों? क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होगा। आप लोगों पर अगर आंसर नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन का आंसर आपको देने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि अगर आप आंसर देते हो तो अपने आप में आप भी मोटिवेट होगे, हमें भी अच्छा लगेगा। आप हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए क्योंकि गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, डोंट वरी रहो, बिल्कुल हम आपको सही आंसर बता देंगे। बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप देते चलिए, लास्ट में जाकर स्कोर देखना अपने कितने आंसर सही निकल रहे हैं। स्कोर से आपको पता चलेगा कि भाई हमारी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, हमारी कैसी स्टडी है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपको स्कोर बता के जाना होगा, लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन
आपका बताइए भाई, द्विनिशेचन की खोज किसने की थी? द्विनिशेचन की खोज प्यारे बच्चों नावाश्चन ने की थी। द्विनिशेचन की खोज प्यारे बच्चों नावाश्चन के द्वारा की गई थी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है। द्विनिशेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नावाश्चन के द्वारा की गई थी। अब प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, विद आंसर भी सारी चीज़ें आपको यही इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको है ना PDF प्रोवाइड कराई जाएगी इसी प्रकार से। देखिए कितना मॉडिफिकेशन किया गया है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है बताओ प्यारे बच्चों? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, पेटल से, पमंग से, बीजांड से। सत्य फल के बारे में यहाँ पे पूछा गया, बताओ क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण प्यारे बच्चों पेटल से होता है। किससे होता है सत्य फल का निर्माण प्यारे बच्चों? पेटल से होता है। ध्यान रखना ये राइट आंसर है इसमें, पेटल। पेटल इसमें करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना भाई सभी स्टूडेंट। पेटल पेटल होगा क्या इसमें करेक्ट आंसर? सत्य फल का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों पेटल से नहीं होता। आप खुद भी कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा बहुत, खुद भी आप कॉमन सेंस लगा के चलिए प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर इसमें अंडाशय होगा। राइट आंसर आपका अंडाशय होगा भाई। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण अंडाशय से ही तो होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है भाई, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, अंडाशय से होता है फल का निर्माण। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। अपने आप को भाई कॉन्फिडेंट रखो, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पेटल नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर भाई, पेटल नहीं होगा, ना ही पुमंग होगा, ना ही बीजांड। सत्य फल का निर्माण होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडाशय से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, अंडाशय से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, चिर स्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है बताओ भाई? चिर स्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है बताओ? करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर चिर स्थायी बाह्य दल प्यारे बच्चों, चिर स्थायी बाह्य दल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। चिर स्थायी बाह्य दल किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है भाई? बैंगन में। बैंगन में चिर स्थायी बाह्य दल पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बैंगन। बैंगन में चिरस्थायी बाह्य दल पाया जाता है, ना तो आम में पाया जाता है, ना कद्दू में पाया जाता है, ना ही लीची में पाया जाता है, ठीक है। बैंगन में चिरस्थायी बाह्य दल पाया जाता है, चिरस्थायी बाह्य दल, ठीक है, चिरस्थायी बाह्य दल बैंगन में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप करेक्ट आंसर देते रहिए, आपका क्या करेक्ट आंसर है आप देते रहिए, ठीक है। आपका गलत आंसर है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बट आप आंसर देते रहिए। बताओ इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है बताओ भाई? शरीफा का खा सकते हो क्या? पुष्पासन नहीं खाया जा सकता शरीफा का। सेब का पुष्पासन खाया जा सकता है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। नारंगी, नारंगी का पुष्पासन खाते हो क्या? नहीं खाते हो भाई, नारंगी को पुष्पासन को नहीं खाया जा सकता। ना ही लीची के पुष्पासन को आप खा सकते हो प्यारे बच्चों, लीची के पुष्पासन को भी आप नहीं खा सकते हो। इसमें आपका राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें होगा आपका सेब भाई, सेब होगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? सेब होगा, सेब आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। सेब, सेब का पुष्पासन खाया जा सकता है भाई, सेब के पुष्पासन को ही तो खाते हो आप, क्या खाते हो भाई? पुष्पासन को ही तो खाते हो, सेब के पुष्पासन को। करेक्ट आंसर आपका सेब होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है बताओ भाई? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बताओ भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है भाई? गेहूं में परागण पूछा है यहाँ पे, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण भाई, गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा होता है गेहूं में परागण? गेहूं में परागण होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा वायु भाई। गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है भाई? वायु के द्वारा होता है, ये तो सभी जानते हो ना, कीट के द्वारा थोड़ी ना होता है परागण, ना ही पक्षी के द्वारा होता है, ना ही मनुष्य के द्वारा होता है, वायु के द्वारा परागण होता है गेहूं में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस भाई ले सकते हो आप मेरे को, जो भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन की PDF लेना चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस लेना चाहता है, तो हमारी PDF आपको सारे WhatsApp के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, WhatsApp मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। 7877677460 नंबर पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ओके। 12th लेवल के बायोलॉजी के आपके सारे MCQ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब चलिए, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है भाई बताओ? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है भाई? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा बताओ? वो फल, फूल, बीज, बीज पत्र भाई। बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है भाई? बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा? बीज बनाएगा भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बीज बनाता है, बीजांड विकसित होकर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है, बताओ भाई कौन सा पौधा इनमें से जलोद्भिद है, आपको बताना है भाई। जलोद्भिद जलों में उगने वाला, भाई जल में उगने वाला, जल में उगने वाला पदार्थ कौन सा है भाई, बताओ जलों में उगने वाला पौधा कौन सा होगा। सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। भाई एकेशिया जल में नहीं होता है, शीशम भी जल में नहीं होता है, नागफनी भी आपकी जल में नहीं होती है। जल में उगने वाला पदार्थ कौन सा होगा, कौन सा पौधा होगा, कौन सा पौधा होगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर होगा हमारे प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जल में उगता है भाई, सिंघाड़ा जल में उगता है, जल में उगने वाला पादप है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है भाई, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा पादप है यहाँ पे जो जलोद्भिद है, जल में उगने वाला पौधा भाई। सिंघाड़ा जल में ही तो उगता है, तालाबों में, पॉन्ड्स में, किस में उगता है, पॉन्ड्स में, तालाबों में उगाया जाता है इसको, तालाबों में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित निम्नांकित में से किस पौधे में स्वयं परागण होता है, बताओ भाई कौन से पौधे में स्वयं परागण होता है। करेक्ट आंसर लगाओ यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर निम्नांकित में से किस पौधे में स्वयं परागण होता है, स्वयं परागण खुद के द्वारा परागण होता है, स्वयं स्वयं में खुद के द्वारा परागण होता है, एकलिंगी में, द्विलिंगी में, या फिर दोनों में, किसी में नहीं, बताओ क्या होगा। करेक्ट आंसर बताओ यहाँ पर, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं ना, द्विलिंगी पुष्प है वो स्वयं परागण करते हैं, ठीक है, स्वयं परागण करते हैं भाई। द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं वो स्वयं परागण करते हैं, उनमें स्वयं परागण होता है। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वयं परागण होता है, द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागण होता है प्यारे बच्चों, द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागण होता है, द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागण होता है, द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान रखना द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, स्वयं परागण होता है, खुद के द्वारा परागण होता है। अब बताओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, ए गुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, बताओ भाई ए गुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है भाई, आवृत बीजी की, अनावृत बीजी की, फफूंद की, या फिर सहबाल की। ए गुणित भ्रूणपोष, ए गुणित, ठीक है, ए गुणित भ्रूणपोष के बारे में यहाँ पे पूछा गया है भाई, ए गुणित भ्रूणपोष के बारे में आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर क्या होगा, अनावृत बीजियों में। ए गुणित भ्रूणपोष किस में पाया जाता है भाई, अनावृत बीजियों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, अनावृत बीजों में, ठीक है, अनावृत बीजों में ए गुणित भ्रूणपोष पाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, भाई बताओ किस में जल द्वारा परागण होता है, जल के द्वारा भाई परागण किसके द्वारा होगा, कौन जल में उगता है, जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रेला में, या फिर बी और सी दोनों में, बताओ भाई किस में होता है जल के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है भाई, 10 आपके सामने है, किस में जल द्वारा परागण होता है भाई, जल द्वारा, कमल भी जल में उगता है, हाइड्रेला भी, बट यहाँ पे क्या पूछा है, किस में जल द्वारा, जल के द्वारा परागण किस में होता है, जलकुंभी में होता है, किस में होता है, जलकुंभी में होता है, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जलकुंभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जलकुंभी, ठीक है। निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, किस में होता है भाई, जल द्वारा परागण किस में होता है भाई, जलकुंभी में होता है, ध्यान रखना जलकुंभी में होता है, जल के द्वारा परागण भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में कौन एकलिंगी है, बताओ भाई एकलिंगी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कौन एकलिंगी है, सरसों, गुड़हल, पपीता, या फिर इनमें से कोई नहीं, एकलिंगी बताओ भाई कौन सा होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ भाई, पपीता कैसा पौधा है, पपीता कैसा पादप है भाई, एकलिंगी पादप है पपीता, एकलिंगी पादप है, आपका उत्तर कौन सा सही होगा, उत्तर आपका सी, सी उत्तर इज करेक्ट होगा, पपीता, ठीक है, कौन है भाई एकलिंगी, पपीता एकलिंगी होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, पपीता, ठीक है, पपीता एकलिंगी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण मुख्यतः हैं, बताओ भाई परागकण क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होते हैं, स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। परागकण मुख्यतः क्या होते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक। परागकण मुख्यतः हैं, परागकण क्या होते हैं भाई, नरयुग्मक होते हैं परागकण, ठीक है। परागकण क्या होते हैं, नरयुग्मक होते हैं, ठीक है। नरयुग्मक है भाई, ठीक है। परागकण किसको बोला जाता है, नरयुग्मक को बोला जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग वृत्ति होती है, बताओ भाई पराग वृत्ति कैसी होती है, एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, कई स्तरीय होती है, बताओ भाई क्या होगा। करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताओ इसमें क्या होगा, राइट आंसर बताओ। राइट आंसर यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे राइट आंसर लगा हुआ है 13 में आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय। पराग वृत्ति कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है, ध्यान रखना भाई। पराग वृत्ति होती है वो कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। पराग वृत्ति द्विस्तरीय होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन, परागकण हो सकते हैं, बताओ भाई परागकण कैसे हो सकते हैं, बताओ भाई परागकण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं परागकण, बताओ भाई परागकण क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, सजावटी होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं, या फिर इनमें से सभी, बताओ भाई परागकण कैसे होते हैं। परागकण प्यारे बच्चों एलर्जी कारक होते हैं, कैसे होते हैं परागकण, एलर्जी कारक होते हैं, ये एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये एलर्जी कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं भाई। परागकण कैसे होते हैं, परागकण कैसे होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी एलर्जी कारक। परागकण कैसे हो सकते हैं भाई, एलर्जी कारक हो सकते हैं परागकण, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, परागकण भाई, परागकण एलर्जी कारक ही होते हैं भाई, इन्फेक्शन कर सकते हैं, खुजली वगैरह कुछ भी कर सकते हैं भाई ये, बताओ। राइट आंसर अगले क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन में राइट आंसर बताओ भाई, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु से परागित यहाँ पर पूछा गया है भाई, वायु से परागित होने वाले पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं, आकर्षक, छोटे, रंगीन, या फिर बी सी दोनों, लगाओ भाई राइट आंसर, लगाओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं भाई, बताओ कैसे होते हैं वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं। 15 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्या आपका, राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ, सी लगा रहे हो आप, सी नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्या होगा भाई, बी और सी दोनों क्यों है भाई, छोटे और रंगीन होते हैं, वायु से जो परागित होते हैं ना, जो पुष्प वायु से परागित होते हैं वो छोटे होते हैं, प्लस में रंगहीन होते हैं, उनका रंग फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कैसे होते हैं भाई, बी और सी दोनों छोटे और रंगहीन होते हैं वायु परागित पुष्प, है ना। 15वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, बताओ भाई किसके द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घेंगा घोंगा के द्वारा, हवा के द्वारा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एनीमोफिली यहाँ पे पूछा है 16 क्वेश्चन आपका, बताओ करेक्ट आंसर। एनीमोफिली भाई वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, हवा के द्वारा होता है भाई। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए एनीमोफिली नामक परागण, ध्यान रखना भाई, हवा के द्वारा होता है। बताओ भाई प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन इंटरफेस हो रहा है भाई, एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, वो तो हो गया। एनीमोफिली जो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। अब यहाँ पे आ गया एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है भाई, एंटीमोफिली नामक परागण चिड़िया, चमगादड़, हवा, कीड़ा, किसके द्वारा होता है बताओ भाई क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, एंटीमोफिली किसके द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। एंटीमोफिली किसके द्वारा होता है भाई, कीड़ों के द्वारा होता है। हवा के द्वारा तो एनीमोफिली होता है, ठीक है, एनीमोफिली मैंने आपको बता दिया है अभी, कीड़ों के द्वारा क्या होता है भाई, एंटीमोफिली नामक परागण होता है, ठीक है, एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों अपना। अब देखिए, कमल में परागण होता है, बताओ भाई कमल में किसके द्वारा परागण होता है, कमल का फूल जो कि गंदे जल में, गंदे पानी में होता है भाई, कीचड़ का फूल उसको बोला जाता है कमल को, बताओ भाई
जल, वायु, कीट, इन सभी प्रकार द्वारा, बताओ क्या होगा। 18वें में आपका करेक्ट आंसर होगा जल द्वारा। जल द्वारा परागण होता है भाई, जल द्वारा। कमल में परागण कैसे होता है? जल द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। 18वें में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कमल में परागण कैसे होता है भाई? जल द्वारा होता है, ठीक है। जल में उगता है यह पौधा, तो जल द्वारा इसमें परागण होता है। कमल में परागण कैसा होता है भाई? जल द्वारा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भाई यहाँ पर राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जल द्वारा। अब आपको एक क्वेश्चन बताया था, शायद मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें भी आपको यही पूछा गया था किसमें जल द्वारा परागण होता है, तो वहाँ पर जलकुंभी आपने करेक्ट आंसर लगाया था। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होगा, जलकुंभी में भी जल द्वारा परागण होता है और कमल में भी जल द्वारा परागण होता है। आपका करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर आपके दोनों होंगे जलकुंभी, ठीक है। वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया आपका, वहाँ पे जलकुंभी था, बट आपका कमल में भी कैसा परागण होता है भाई? जल द्वारा। आपके दोनों आंसर वहाँ पे करेक्ट होंगे, आपके दोनों आंसर वहाँ पे करेक्ट होंगे, ए और कौन से बी, उसमें दोनों ऑप्शन थे जलकुंभी और दूसरा था कमल का, ठीक है। तो दोनों में जल द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण होता है। आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जल द्वारा। कमल में स्पेशली यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पराग से अणुणित पौधे अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, बताओ भाई। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन, पार्थिनोका, एंड्रोजेनेसिस या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा? पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? पराग से अगुणित पौधा हो रहा है, इसको क्या करेंगे भाई? पराग से अगुणित पौधे का विकास हो रहा है, इसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पराग में अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है भाई? पराग से अगुणित पौधे का विकास सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी इज करेक्ट आंसर। 19 में पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है भाई आवृतबीजी में? ऑर्किगोनियम, अंडप, परागकोश, गुरु, युग्मकोद्भिद, बताओ भाई आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों? आपका करेक्ट आंसर बताओ भाई 20 क्वेश्चन में, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है भाई? पराग, बताओ भाई क्या होगा आवृतबीजी में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, बिल्कुल वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है उनका करेक्ट आंसर होगा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है भाई? आर्किगोनियम की संरचना नहीं मिलती है, बाकी सारी संरचनाएँ पाई जाती हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम इज राइट आंसर, आर्किगोनियम इज करेक्ट आंसर होगा भाई। आवृत बीजों में ऑर्किगोनियम की संरचना नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती है। अंडा, परागकोश, गुरु, युग्मकोद्भिद, सारी संरचनाएं मिलती हैं एक ऑर्किगोनियम को छोड़कर। अब यहाँ पे यही पूछा गया कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है भाई कौन सी संरचना पाई जाती है, तो आप ये ध्यान रखना ये तीनों संरचनाओं के नाम, ठीक है, ये संरचनाओं के नाम याद रखना भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश कैसा होता है भाई? कैसा होता है बताओ? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, पांच कोशिकीय, सात कोशिकीय, कैसा होता है सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश? कैसा होता है? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, पांच कोशिकीय, सात कोशिकीय भाई? सामान्य जो आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है भाई? कितनी कोशिकाओं का बना होता है भाई? बताओ 21 में राइट आंसर बताओ। 21 में राइट आंसर जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है सात कोशिकीय होता है। कितना कोशिकीय होता है? सात कोशिकीय आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट 7 लगा रहे हैं वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाई। सामान्य आवृतबीजी में पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश कैसा होता है? सात कोशिकीय होता है, सात कोशिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित हो जाए भाई? बताओ निषेचन के पश्चात जब निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। बीजांड
बीजांड किस में परिवर्तित होता है भाई? बीजांड बताओ किस में परिवर्तन होता है? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, किस में होता है भाई? बीजांड किस में परिवर्तित होगा प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है। क्या होगा 22 में? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बीज में। ठीक है, बीज में आपका करेक्ट आंसर होगा, बीज में। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। बीजांड किस में परिवर्तित होता है भाई? बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है बीज में। ठीक है, बीजांड किस में बनता है भाई? बीजांड किस में परिवर्तित होता है, किस में बदल जाता है? बीज में। ओके, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। अब बताओ अगला क्वेश्चन देखिए, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, किस में मिलता है भाई? अनिषेक जनन, अनिषेक जनन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन किस में मिलता है भाई? अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में, किस में मिलता है बताओ? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ आप यहाँ पे, बताओ भाई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 23 में करेक्ट आंसर अंगूर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं, अंगूर, अंगूर आपका राइट आंसर होगा भाई। अंगूर में, अंगूर में अनिषेक जनन सामान्यतः कौन सा जनन मिलता है? अनिषेक जनन सामान्यतः अंगूर में पाया जाता है, ओनली फोर। ठीक है, अनिषेक जनन अंगूर में पाया जाता है, बस अंगूर में, आम में नहीं होता, ना ही नींबू में, ना ही लीची में, अंगूर में अनिषेक जनन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, बताओ भाई। आंसर यहाँ पे दिख गया है, बट बताइए आप करेक्ट आंसर दीजिए यहाँ पे। आर्थोट्रोपस क्या पूछा है भाई? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, बताओ भाई कैसे होते हैं? बीजांड द्वार और निभाग कैसे होते हैं? बीजांड द्वार और निभाग कैसे होते हैं आपको ये बताना है भाई। बीजांड व्रत से तिरछे होते हैं, बीजांड व्रत से 90 डिग्री पर होते हैं, बीजांड व्रत से सीधी रेखा में होते हैं, बीजांड व्रत के समांतर होते हैं, कैसे होते हैं? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग, आर्थ्रोट्रोपस में पूछा है बीजांड द्वार और निभाग कैसे होते हैं? तिरछे, 90 डिग्री पर, सीधी रेखा में, समांतर। राइट आंसर यहाँ पर 24 में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजांड व्रत से सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, बीजांड व्रत से सीधी रेखा में होते हैं। करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बीजांड व्रत से सीधी रेखा में होते हैं आर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग। ठीक है, दोनों सीधी रेखा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है? बीजांड काय में होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, गुरु बीजाणु में होता है और की स्पोरियम में होता है, बताओ भाई। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कैसे होता है, कौन सी, किस में पाया जाता है बताओ भाई? बीजांड काय में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु में, आर की स्पोरियम में, बताओ प्यारे बच्चों। ऑल डियर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हमारे प्यारे विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, बताओ भाई क्या हुआ करेक्ट आंसर मेरे साथियों? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ना 25 में, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है देखिए भाई, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन के लिए पूछ रहा है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है वो किस में होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। किस में होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजांड में अर्धसूत्र विभाजन के लिए यहाँ पे पूछा गया है। अर्धसूत्र विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, बस मात्र कोशिका में होता है आपका अर्धसूत्र विभाजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष प्राय है, एक कोशीय, द्वि कोशिकीय, पांच कोशिकीय, सात कोशिकीय। देखिए क्या पूछ रहा है, एक कोशिकीय, एक प्रारूपिक, ठीक है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष क्या पूछा है यहाँ पे? एक प्रारूपिक, ठीक है, प्रारूपिक आवृत कोशी भ्रूण कोष होता है, बताओ भाई क्या होता है भ्रूण कोष, कैसा होता है? एक कोशिकीय, द्वि कोशिकीय, पांच कोशिकीय, सात कोशिकीय, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ भाई। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। जो भी स्टूडेंट सात लगा रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको सात होगा भाई, सात होगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, सात कोशिकीय होता है एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष। आप प्रारूपिक आवृत कोशी भ्रूण कोष होता है ना, आवृत बीजी भ्रूण कोष, वो होता है सात कोशिकीय, सात कोशिकाओं से मिलकर बना होता है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। पॉली एम्बियोनी पाई जाती है किस में पाई जाती है भाई? पॉली एम्बियोनी बताओ किस में पाई जाती है, मक्का में, सिट्रस में, कॉर्कोरस में या फिर कॉर्थेमस में? पॉली एम्बियोनी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, पॉली एम्बियोनी किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों बताओ भाई, पॉली एम्बियोनी किस में पाई जाती है? लगाओ भाई, लाइव को एक बार लाइक कर देना भाई, लाइव को एक बार सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं भाई, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में सीधे सीधे फंसने के उनके चांस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे स्थान दिया गया है, और आपको पता है डीबी प्रो एजुकेशन जो भी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है, जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन न्यूज़ आती है तुरंत आप तक पहुँचाने का कार्य करता है, आपके साथ में आपका भाई हमेशा खड़ा रहता है भाई। बताओ पॉली एम्बियोनी पाई जाती है किस में पाई जाती है? मक्का में, सिट्रस में, कॉर्कोरस में, कार्थोमस में, किस में पाई जाती है? आपका करेक्ट आंसर लगाइए भाई, करेक्ट आंसर लगाइए यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस में। पॉली एम्बियोनी किस में पाई जाती है? सिट्रस में पाई जाती है भाई, सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है, सिट्रस में पाई जाती है भाई, सिट्रस फ्रूट्स में आपकी पॉली एम्बियोनी पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी, बताओ भाई किसने की थी? भाई आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप बच्चों के रिव्यू देख सकते हो, बच्चों के आप रिव्यू देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे फंसते हैं। डीबी प्रो एजुकेशन की पहचान इसीलिए है, इसीलिए डीबी प्रो एजुकेशन जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे फंसते हैं। अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज, भाई अभी बताया द्विनिषेचन के बारे में पूछा, यहाँ पर आपको घुमा दिया गया है थोड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, बस पूछा भाई है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी भाई? नावाश्चिन ने, किसने की थी? नावाश्चिन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, नावाश्चिन भाई। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है बट है वही क्वेश्चन, सेम है, नावाश्चिन ने द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नावाश्चिन ने, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, घोंगे द्वारा परागण कहलाता है भाई, घोंगे के द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है बताओ भाई? घोंगे के द्वारा परागण होता है वो क्या कहलाता है? मेलेकोफिली, मेलेकोफिली या फिर जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली? भाई घोंगे के द्वारा परागण पूछा है आपसे यहाँ पे, 29 में राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर भाई मेलेकोफिली होगा, मेलेकोफिली किसके द्वारा होता है भाई? ध्यान रखना भाई, राइट आंसर आपका होगा मेलेकोफिली होगा, ऑप्शन नंबर ए, घोंगे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है भाई, मेलेकोफिली। मेलेकोफिली किसको कहा जाता है भाई? ये भी क्वेश्चन आपको उल्टा पूछ लिया जा सकता है, बताओ भाई मेलेकोफिली किस में होता है? मेलेकोफिली परागण होता है वो किस में होता है? घोंगे द्वारा परागण, घोंगे द्वारा परागण होता है उसको मेलेकोफिली कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेलेकोफिली। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन की खोज किसने की थी? वो तो आपसे पूछा गया था द्विनिषेचन की, वो तो आपसे पूछा गया था द्विनिषेचन जो कि नावाश्चिन ने की थी, अब यहाँ पे पूछा ओनली फॉर निषेचन की खोज किसने की थी भाई? निषेचन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर प्यारे बच्चों स्ट्रासबर्गर होगा आपका, राइट आंसर होगा स्ट्रासबर्गर होगा, स्ट्रासबर्गर आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका स्ट्रासबर्गर होगा। और ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था प्यारे बच्चों? देखिए आपके चारों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नावाश्चिन ने तो किसकी खोज की थी? एक मिनट में आपको बता देता हूँ, द्विनिषेचन की, द्विनिषेचन की खोज तो नावाश्चिन के द्वारा की गई थी, स्ट्रासबर्गर के द्वारा किसकी की गई? निषेचन की, ठीक है, निषेचन की खोज किसके द्वारा की गई? स्ट्रासबर्गर के द्वारा। और ल्यूवेनहॉक के द्वारा किसकी खोज की गई भाई? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किसकी खोज की गई? जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज की गई ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की गई। और रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई बताओ भाई? रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई? आपको पता है जीवित कोशिका की खोज नहीं की गई थी, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जिसको हम मृत कोशिका भी बोल सकते हैं। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कोशिका खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपका पूछा है निषेचन, निषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? स्ट्रासबर्गर के द्वारा निषेचन की खोज की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तो क्या कहा जाता है भाई? अधिक होती है तो क्या कहलाता है भाई? तब उसे क्या कहा जाता है? तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, जूम आउट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है आपको, आंसर भी दिख गया है। बताओ भाई, बताओ क्या होगा? जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या ज़्यादा है, भ्रूणकोश कितना है भाई? भ्रूणकोश
कितना है भाई, भ्रूण कोष एक ही है, उसमें एक से ज़्यादा संख्या है भ्रूण की, ठीक है, भ्रूण की उसमें एक से ज़्यादा संख्या है, ठीक है, बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर 31 में आपका करेक्ट आंसर होगा पोलो एम्ब्रियोनी भाई, पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब एक भ्रूण कोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तो उस स्थिति को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, देखिए भाई एम्ब्रियोनी कहा जाता है एम्ब्रियोनी, ठीक है, भ्रूण कोष एक है, भ्रूण कोष अगर एक है तो उसको एम्ब्रियोनी कहा जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियोनी कहा जाएगा, अगर एक से अधिक है तो एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक, ठीक है, दो है या फिर दो से अधिक है तो पॉली लग जाएगा उसके आगे, क्या लग जाएगा, पॉली लग जाएगा, अब यहाँ पे दिया है पोलो एम्ब्रियोनी, ठीक है, ये पोलो एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं इसको और पॉली एम्ब्रियोनी भी हम इसको बोल सकते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्यारे बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे बीएससी नर्सिंग, जिसमें कि आपके है ना 12th लेवल की साइंस आती है, उसमें सीधे क्वेश्चन यहीं से पढ़ाए जाएंगे, सीधे क्वेश्चन यहीं से आपको उठाए जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे डीबी प्रो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं, आपको पता है जीएनएम की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, यहाँ पे फार्मेसी की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, प्यारे बच्चों पैरामेडिकल की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, तो जो भी स्टूडेंट नया है प्यारे बच्चों हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और यहाँ से स्टडी करिए, आपकी 2 बजे क्लास चलती है बायो की, जो कि बीएससी नर्सिंग सीपीएनईटी कॉमन फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी में लिया जाता है, सब में सिलेबस सेम ही प्यारे बच्चों, यूपी सीपीएनईटी यूपी उत्तर प्रदेश कॉमन फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट प्लस में बीएससी नर्सिंग, प्यारे बच्चों सिलेबस सेम है सबका, बायोलॉजी का 12th लेवल का सिलेबस मोस्टली पूछा जाता है, 11th का भी अटावत कम पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सबको भाई पढ़ते चलिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सीधे उठेंगे भाई, ठीक है, रोज़ लाइव क्लास आपकी 2 बजे होगी बायो की, रोज़ लाइव क्लास आपकी 2 बजे होगी बायो की, 7 बजे आपकी जेएनएम की साइंस की क्लास चलती है, जो भी स्टूडेंट जेएनएम की साइंस की क्लास लेना चाहता है वो 7 बजे ले सकता है, ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर बताओ, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या कहलाता है, पराग नलिका से, पराग नली से दे रहे हैं भाई, बीजांड द्वार में बीजांड काय का प्रवेश करवा रहे हैं भाई, पराग नली एक नली है, पराग नली ठीक है, बाहरी नली के द्वारा क्या, बीजांड द्वार में, बीजांड द्वार जहाँ से बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार में होकर क्या कर रहे हैं, बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है भाई, बीजांड द्वार से हम क्या कर रहे हैं भाई, बीजांड काय में प्रवेश करा रहे हैं, पराग नलिका का, पराग नलिका का प्रवेश किस में करा रहे हैं हम, बीजांड काय में, बीजांड द्वार से होते हुए, ठीक है, बीजांड द्वार से होते हुए हम पराग नलिका का प्रवेश करा रहे हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, 32 में आपका राइट आंसर होगा पोरोगेमी होगा, ठीक है, पोरोगेमी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है भाई, पोरोगेमी कहलाता है, क्योंकि किससे करवा रहे हैं हम, पराग नलिका से, किससे करा रहे हैं भाई, पराग नलिका का करवा रहे हैं, पराग नलिका का हम प्रवेश करवा रहे हैं बीजांड काय में, ठीक है, बीजांड द्वार से होते हुए, तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को पोरोगेमी कहेंगे, क्या कहेंगे, पोरोगेमी कहेंगे भाई, करेक्ट आंसर इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई, पराग नलिका का बाहरी नलिका का बीजांड द्वार से होते हुए हम बीजांड काय में प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं, पुष्पी पादपों में, खाली पुष्पी पादपों में जो पुष्प देते हैं, पुष्पी पादपों के बारे में यहाँ पे पूछा गया, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं, फूल जड़ तना पत्ती, कौन सा अंग भाग लेता है प्यारे बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई फूल, फूल फूल किस में भाग लेता है भाई, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में फूल भाग लेता है पुष्पी पादपों में, भाई पादप कैसा है, पुष्पी पादप है भाई, फूल वाला पादप है तो वहाँ पर लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेगा भाई, पुष्पी तो लेगा फूल, पुष्पी पादप है तो फूल ही वहाँ पे क्या होगा लैंगिक जनन में भाग लेगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो जड़ लेगी ना तना लेगी ना पत्ती लेगी, ओनली फॉर फूल वहाँ पे लैंगिक जनन में भाग लेगा। अब अगला क्वेश्चन बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है, क्या कहलाती है भाई बताओ भाई, अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर यहाँ पे पूछा गया है, अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है, आर्कोगेमी डाइकोगेमी पॉलीगेमी एपोगेमी, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग अलग समय पर यहाँ पे पूछा गया है नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है,
क्या कहलाती है भाई बताओ। 34 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाइकोगेमी। क्या होगा करेक्ट आंसर 34 में? राइट आंसर बताओ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई? डाइकोगेमी। ठीक है, डाइकोगेमी कहलाती है, डाइकोगेमी। क्योंकि भाई अलग अलग समय के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग समय के लिए यहाँ पे पूछा गया है। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता, जिसको हम मैच्यूरेशन बोलते हैं, परिपक्वता को क्या बोलते हैं भाई? मैच्यूरेशन बोलते हैं हम इसको, मैच्यूरेशन बोला जाता है, मैच्यूरेशन यानी परिपक्वता। परिपक्वता डाइकोगेमी कहलाती है, जो कि अलग अलग समय पर होती है नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता। ठीक है, नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता अलग अलग समय पर होती है, वो क्या कहलाती है? डाइकोगेमी कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे मैच्यूरेशन बोला जाता है, मैच्यूरेशन, परिपक्वता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4, 3, 2, 1 बताओ भाई। एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? चार, तीन, दो, एक। एक प्रारूपी में, खाली एक प्रारूपी के लिए यहाँ पे पूछा गया है। एक प्रारूपी पुष्प कैसा है भाई? पुष्प कैसा है एक प्रारूपी, जिसका एक प्रारूप है, प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4। ठीक है, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने पुष्प पत्र होते हैं? 4 होते हैं। एक प्रारूपी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, 4। जो भी बच्चे करेक्ट आंसर ए लगा रहे हैं उनका सही आंसर है, वेरी गुड सभी को। ठीक है, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने पुष्प पत्र होते हैं भाई? कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 प्रकार के। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि, फूलों की खेती। पुष्प कृषि के बारे में यहाँ पे पूछा गया है भाई, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं बताओ? राइट आंसर लगाओ इसमें, राइट आंसर क्या होगा भाई? जो भी स्टूडेंट लगा रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर, चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या होगा आपका? फ्लोरिकल्चर। क्या लगा रहे हो? 36वें में ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट फ्लोरिकल्चर लगा रहा है ना, उसका करेक्ट आंसर है भाई फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्प कृषि को क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। से क्या बन रहा है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, कल्चर यानी कृषि बोला जाता है, कल्चर को क्या बोलते हैं? कृषि। ठीक है, कल्चर, कृषि, और फ्लोरी से पुष्प आपका, तो पुष्प की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पुष्प के नरजनन संरचना को क्या कहते हैं भाई? बताओ क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर लगाइए इसमें, करेक्ट आंसर क्या होगा? पोमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज, अंडाशय। क्या कहते हैं पुष्प के नरजनन संरचना को, क्या कहते हैं? 37 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर लगाओ भाई सभी स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका 37 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुमंग। ठीक है, पुमंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये पुष्प के लिए पूछा गया है यहाँ पे, ओनली फॉर किसके लिए? पुष्प के लिए। पुष्प के नरजनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प की जो नरजनन संरचना होती है पुष्प में, ठीक है, कोई भी फूल ले लीजिए, उसमें नरजनन संरचना को क्या कहते हैं भाई? पुमंग कहते हैं, पुमंग। ठीक है, नरजनन संरचना क्या होती है? उसमें पुमंग होता है, इस तरह से कुछ पाया जाता है, एक छोटा सा। उसमें आप पुष्प को जब खोल के देखोगे ना, पुष्प को आप तोड़ के देखोगे तो एक छोटा सा डंडा सा पाया जाता है, पुमंग। उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? नरजनन संरचना कहते हैं उसको। ठीक है, पुष्प की नरजनन संरचना क्या होती है? पुमंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला एंड इस चैप्टर का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 38 आपका राइट आंसर यहाँ में क्या होगा? पराकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है भाई? बताओ, पराकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? करेक्ट आंसर लगाइए यहाँ पे, क्या होगा? राइट आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, क्या होगा? विटामिन बी, ए, डी, सी, कौन सा होता है भाई? पराकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं ना, विटामिन बी जो भी लगा रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। विटामिन बी राइबोफ्लोविन भाई, विटामिन बी राइबोफ्लोविन
भाई विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लाविन। तो पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है भाई? पराग कणों में विशेषकर विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विटामिन बी। प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर आपका। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका बताइए भाई, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? समकाल पक्वता समान काल की पक्वता जिसको बोला जाता है, समकाल पक्वता समान काल की पक्वता, बताओ भाई क्या होगा? समान काल की पक्वता, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? गुलाबास में, अकबन में, खट्टी बुट्टी में होता है या फिर फर्न में होता है? समकाल पक्वता किस में होती है भाई, बताओ राइट आंसर। 39 में आपका राइट आंसर लगाइए, 39 में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गुलाबास। ठीक है, गुलाबास में क्या होती है? समकाल पक्वता होती है, गुलाबास में समकाल पक्वता पाई जाती है। प्यारे बच्चों गुलाबास में समकाल पक्वता पाई जाती है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQs हैं प्यारे बच्चों, हैं जो कि समकाल पक्वता किस में पाई जाती है? गुलाबास में पाई जाती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका था प्यारे बच्चों, ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, प्यारे बच्चों ऐसे ही आपकी रोज़ की लाइव क्लासेज होगी, आपकी दोपहर दो बजे आपकी लाइव क्लासेज होगी, आप लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लासेज अटेंड कीजिए भाई। ठीक है, और कमेंट करके बताइए हमें कितने आंसर आपके सही निकले, कितने गलत निकले, आपके 39 क्वेश्चन टोटल निकले भाई, फर्स्ट चैप्टर से आपके 39 क्वेश्चन यहाँ पे निकाले गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DB प्रो एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे निकले गए क्वेश्चन 39 है, इसमें से आपके सही कितने निकले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करके जाना सभी विद्यार्थी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और जो भी स्टूडेंट नए हो हमारे चैनल के साथ में, अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो बच्चों के हित में हमेशा कार्य करता है, बच्चों के लिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, व्हाट्सअप के साथ में जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा DB प्रो एजुकेशन का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी प्राप्त हो जाएंगी, प्लस में वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी लाइव क्लासेज की, शेड्यूल अगर चेंज होता है तो टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपको हेल्पलाइन नंबर मेंशन कर रखे हैं भाई, हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं, जो भी स्टूडेंट इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट MCQ लेना चाहता है DB प्रो एजुकेशन से तो वो ले सकता है भाई, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके, ले सकते हो। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर भाई जा चुके हैं, अब तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला था जो मैंने आपको दे दिया हेल्पलाइन नंबर, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ना भाई, जो भी इंपॉर्टेंट MCQ लेना चाहता है 12th लेवल बायोलॉजी के, वो ले सकता है भाई, इन नंबर पे व्हाट्सअप करके। ठीक है, इन नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। बाकी वीडियो को करते हैं स्टॉप भाई, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में, जो भी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया भाई अभी तक वीडियो को, एक बार लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, चलते हैं फिर, करते हैं वीडियो को स्टॉप भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर कल की लाइव क्लास में, तब तक के लिए बने रहना DB प्रो एजुकेशन के साथ में, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।